वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ साइंस टीचर रिप्रेजेंटिंग सांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजूदा. स्टूडेंट, आई एम टेकिंग द पोर्शन ऑफ द साइंस फिजिक्स. दैट मीन्स साइंस, जैसा कि आपको पता है, साइंस तीन कैटेगरी में होता है. स्टूडेंट, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो बेस्ड होंगे इनिशियल चैप्टर केमिस्ट्री पर, फिर बीच में है बायोलॉजी और फाइनल में है फिजिक्स. तो मैं आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का पोर्शन लूंगा. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन. इन अ वर्ड, लाइट, व्हाट इज द मीन ऑफ द लाइट, यू नो दैट वेरी वेल. ठीक है, जिससे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपकी एक ह्यूमन आई है. लेट वी कंसिडर अ ऑब्जेक्ट. मान लीजिए एक पल के लिए ये क्या है, पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट है. ये मत देखिए ये प्लेन है. लेट वी कंसिडर दिस इज अ एनी ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सन. मैं कोई दूसरा सोर्स नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल आज बेसिक से स्टार्ट करूंगा. नंबर ऑफ इंसिडेंट रे एनी ऑब्जेक्ट एंड एंड कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आ रही है. ठीक है, ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना आर नोन एज रिफ्लेक्शन. इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन बी यूज्ड अ वन मीडियम. इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन वी यूज्ड अ वन मीडियम. व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियम स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं टीच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम. तो ये जो नंबर ऑफ लाइट है जो सन से आ रही है वो भी एयर मीडियम में आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑल्सो पासिंग इन द एयर मीडियम. हियर मीडियम इज सेम, सो दिस फिनोमिना आर नोन एज रिफ्लेक्शन. बट वेन आई टोल्ड, मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है विच कंसिस्ट अ वाटर मीडियम, विच कंसिस्ट वाटर मीडियम, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, अनदर टाइप ऑफ मीडियम. यहाँ पर एयर मीडियम है और यहाँ पर कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम है. ठीक है, बीम, ठीक है, कैसी है ये, फ्रॉम एयर मीडियम देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये जो बेंड हो रहा है ये सब मैं आपको धीरे धीरे समझूंगा, बट मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, इन दिस फिनोमिना वी यूज द सिंगल मीडियम, सो दिस फिनोमिना ऑफ लाइट आर नोन एज रिफ्लेक्शन. बट इन दिस सिचुएशन वी यूज आ टू मीडियम, फर्स्ट वन इज द एयर मीडियम एंड सेकेंड वन इज द वाटर मीडियम. इन द केस ऑफ द टू मीडियम और मोर देन टू मीडियम वी यूज आ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज द रेयरर मीडियम एंड सेकेंड वन इज द डेंसर मीडियम. वाट इज द मीन ऑफ द रेयरर मीडियम, ठीक है, इन द केस ऑफ द एयर एंड वाटर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डेंसिटी, तो ये भी मैं समझाता हूँ. लेट मी कंसिडर देयर इज द एयर मीडियम एंड आई मूव माई हैंड. सर मुझे कुछ मेहनत हो रही है क्या, हाँ मुझे मेहनत हो रही है, बट अगर जो इसी हाथ को मैं पानी में हिलाऊंगा तो मुझे ज्यादा मेहनत होगी, फिर मैं अगर जो उसको रेत में हिलाऊंगा दैट मीन्स सिलिकॉन और मेहनत होगी, अगर जो मैं बर्फ में हिलाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत होगी. मतलब डेंसिटी विल बी इंक्रीज, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो एज कंपेयर ऑफ वाटर, समझ आया, बट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लो एज कंपेयर ऑफ सिलिकॉन, द डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन इज लो एज कंपेयर ऑफ आइस. तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर बोल रहा हूँ द फिनोमिना इन विच वी यूज अ सिंगल मीडियम ऑफ लाइट, सिंगल फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच वी यूज द सिंगल मीडियम, दिस फिनोमिना आर नोन एज द रिफ्लेक्शन. बट वेन आई यूज नंबर ऑफ मीडियम्स दैट मीन्स अ मोर देन वन मीडियम, द फिनोमिना आर नोन एज द रिफ्रेक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन बोथ आर द प्रोसेस ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन. बट इन द केस ऑफ द वन मीडियम आई यूज वर्ड रिफ्लेक्शन, इन द नंबर ऑफ मीडियम आई यूज अ वर्ड रिफ्रेक्शन. नाउ स्टूडेंट, टूडे आई एम टेकिंग द सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर.
अब आप बोलेंगे सर मिरर, द डेफिनेशन ऑफ द मिरर एंड द टाइप्स ऑफ मिरर एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें हैं सर। हर एक लेक्चर में मैं आपको लिमिट में पढ़ाऊंगा, मतलब जो आज पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उस पर फोकस कीजिए, देन आफ्टर सेकेंड लेक्चर में सेकेंड टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। नाउ टुडे आई एम टेकिंग द सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड वन इज द पोल, थर्ड वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन एंड फोर्थ वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन प्रिंसिपल फोकस, देन फोकल लेंथ, देन लीनियर एपरेचर एंड लास्ट वन इज द एंगुलर एपरेचर। स्टूडेंट हियर आई ड्रो अ सर्कल, व्हाट इज द मीन ऑफ द सर्कल हियर, अ सिंपल सर्कल दैट मीन्स अ मिरर। ये जो पूरा का पूरा है ये एक मिरर है इन द शेप ऑफ स्पेयर, सो इट इज नोन एज द स्पेरिकल स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर। अब एक बेसिक बात बता रहा हूँ, जब भी आपको दुनिया में कहीं पे भी सर्कल बनाना है तो वी यूज अ राउंडर, राउंडर को कहीं ना कहीं पर रखेंगे तभी सर्कल बनेगा, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होना चाहिए, यस और नो। तो व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको डेफिनेशन बना रहा हूँ, अ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, जरा ध्यान से देखिए, अ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल सी, व्हाट इज द मीन ऑफ द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। देखिए आप मेरी बातें सुनेंगे समझेंगे, उसके बाद यू हैव टू नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी और नोट्स, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ स्टूडेंट वी टेक अ हाफ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर, हाफ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस पार्ट का यूज नहीं करना है, तो आप सिंपल सा समझिएगा, मैं आपको ये भी बताना हूँ, ठीक है, इसको मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा हूँ। कौन सी सरफेस स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, अ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, याद कीजिए मैंने पूरा सेंटर ड्रॉ करा था, अगर जो आप भूल जाए तो मैं सेंटर ड्रॉ कर देता हूँ, अ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ स्टूडेंट आई एम टेकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, नाउ यस और नो, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर नोन एज पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी, व्हाट इज द सेकेंड डेफिनेशन, व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन बेस्ड ऑन द स्पेरिकल मिरर, अ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। सेकेंड वन, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर नोन एज पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। स्टूडेंट नाउ थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट फॉर द थर्ड पॉइंट we draw a simple dotted line, what is the mean of the dotted line, in the case of the science dotted that means a imaginary, dotted that means a imaginary, what is the mean of the imaginary line student, point number third, a imaginary line student, yahan pe dhyan dijiye, a imaginary line, principal axis line definition, a imaginary line which passing through center of curvature and pole, इमेजनरी लाइन विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। फर्स्ट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सेकेंड वन, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर नोन एज पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। सबसे पहले सी आया, फिर उसके बाद P आया, फिर उन दोनों को जोड़ा, दैट मीन्स अ इमेजनरी लाइन, अ इमेजनरी लाइन विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल
आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। स्टूडेंट नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोर्थ डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट डेफिनेशन वी गेटिंग द सी, सेकेंड डेफिनेशन वी गेटिंग द पी, थर्ड डेफिनेशन वी गेटिंग अ लाइन बिटवीन द सी एंड पी। नाउ अ डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड पी फोर्थ डेफिनेशन, अ डिस्टेंस बिटवीन द सी व्हाट इज द मीन ऑफ द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द फोर्थ डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर, अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। स्टूडेंट वी गोट द डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन, थर्ड एंड डेफिनेशन फोर्थ। फर्स्ट डेफिनेशन द सेंटर ऑफ होल पार्ट दैट मीन्स द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर नोन एज द पोल। थर्ड वन अ इमेजनरी लाइन विच पासिंग थ्रू दिस एंड दिस दैट मीन्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। डेफिनेशन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ डेफिनेशन, अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। स्टूडेंट नाउ पॉइंट नंबर फिफ्थ, डेफिनेशन नंबर फिफ्थ, प्रिंसिपल फोकस। आई होप यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट सी, सेकेंड पॉइंट पी, थर्ड पॉइंट इमेजनरी लाइन, फोर्थ पॉइंट आर। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द मिड पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास एक 2 मीटर की स्केल है, कितने मीटर की स्केल है स्टूडेंट, 2 मीटर की, तो आप उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल ऑफ 1। तो सर अगर जो इन दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है ध्यान से देखिए क्या हो गया यहाँ पर F, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, अ मिड पॉइंट इन अनदर वे अ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज प्रिंसिपल फोकस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। स्टूडेंट सेंटर वर्ड यूज करें या तो मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज प्रिंसिपल फोकस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। नाउ स्टूडेंट वी मूविंग विद द डेफिनेशन नंबर 6, दैट मीन्स अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दैट मीन्स अ डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल आर नोन एज फोकल लेंथ, डेफिनेशन नंबर 6। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये एक पर्टिकुलर गेम है, सबसे पहले सी इंट्रोड्यूस हुआ, देन आफ्टर पी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बीच उसके प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, अ डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस आर नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर इसका मिड पॉइंट लिया, उसको बोला है प्रिंसिपल फोकस, अ मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज फोकस। उसके बाद मैंने बोला अ डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, अ डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल आर नोन एज फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज द लीनियर एपरेचर दैट मीन्स इन अनदर वे अ सिंपल डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल जब आप बच्चे थे आपके हाथ में चूड़ी पहनाई गई थी तो मैं बोल सकता था चूड़ी छोटी है, जब आप बड़े हो गए तो उसका साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डायमीटर की बात कर रही है, मैथमेटिक्स में हम डायमीटर बोलते हैं, बट इन द केस ऑफ द स्पेरिकल मिरर अ डायमीटर ऑल्सो नोन एज द एपरेचर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 7th, लीनियर एपरेचर ऑल्सो नोन एज द डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर ऑल्सो नोन एज लीनियर एपरेचर। लीनियर दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, सच दैट लीनियर एपरेचर दैट मीन्स डायमीटर, बट अनादर डेफिनेशन इज हियर,
डायमीटर दैट मीन्स अ डबल, मतलब कहीं ना कहीं द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द ट्वाइस टू इंटू दैट मीन्स अ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नोन एज लीनियर एपरेचर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ये डायमीटर है, तो डायमीटर क्या है सॉरी डायमीटर दैट मीन्स आर टू टाइम्स ऑफ द रेडियस, और रेडियस को आपने क्या बोला, इन द केस ऑफ द रेडियस यू नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो द टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नोन एज द लीनियर एपरेचर। नाउ फाइनल एंगुलर एपरेचर, व्हाट इज द मीन ऑफ द एंगुलर एपरेचर, ये जो पूरी सरफेस है ठीक है इसको बोला जाता है एंगुलर एपरेचर। लीनियर एपरेचर बढ़ेगा तो एंगुलर एपरेचर भी बढ़ेगा, यस और नो, दैट मीन्स एंगुलर एपरेचर डिपेंड्स ऑन लीनियर एपरेचर, व्हेन लीनियर एपरेचर विल बी इंक्रीज द एंगुलर एपरेचर विल बी इंक्रीज, अदरवाइज एंगुलर एपरेचर विल बी डिक्रीज। इन अनदर वे सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं सर इसको, सरकमफेरेंस, तो मैं बोलूंगा द सरकमफेरेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सरकमफेरेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर आर नोन एज एंगुलर एपरेचर। स्टूडेंट डेफिनेशन फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन टू पोल, थर्ड वन प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन प्रिंसिपल फोकस, देन फोकल लेंथ, लीनियर एपरेचर एंड एंगुलर एपरेचर। नाउ अगेन आई एम टेकिंग सिंपल डेफिनेशन रिगार्डिंग टू द प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। आई होप यू गेटिंग द बोथ डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1 टू डेफिनेशन नंबर 8। नाउ अनदर सिंपल डेफिनेशन, इन द केस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर दैट मीन्स अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, आपने ये पढ़ा है अंडर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन द केस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट if any beam of light, arrive parallel to principal axis line, then after reflection passing through any point, this point is known as principal focus. Another definition of the principal focus, एक और definition मैंने बताया आपको, if any beam of light arrive parallel to principal axis line, then after reflection passing through any point which known as passing through any point of principal axis line, these point are known as principal focus. ठीक है मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, a mid point of this and this are known as principal focus, second definition मैंने वहां से बता दी। अब एक और डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही कमाल की डेफिनेशन है ठीक है, इन द केस ऑफ सी एंड पी will be equal of capital R, और ये जो होता है ठीक है F, तो ये कितना होगा small f, ये जो है small f ये इसके half के equal है, तो मैं बोल सकता हूँ small f will be equal of 1 by 2 into R such that capital R will be equal of 2 into F, तो मुझे यहाँ से कैपिटल आर की एक और डेफिनेशन मिलेगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने सबसे पहले एक जनरल डेफिनेशन सभी के बारे में बता दी है, फिर मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस के लिए एक और डेफिनेशन बताई है, अब मैं आपको कैपिटल आर के लिए एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ ठीक है, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर दैट मीन्स अ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, व्हाट इज द मीन ऑफ द एफ, एफ दैट मीन्स अ प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सो ठीक है द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस या ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ विल बी इक्वल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट हियर अनदर डेफिनेशन, इफ इक्वल टू 1/2 into R, दैट मीन्स आर बाई टू, व्हाट इज द डेफिनेशन, द हाफ द
द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नोन एज फोकल लेंथ. आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर डेफिनेशन रिलेटेड टू आर, रिलेटेड टू एफ एंड रिलेटेड टू स्मॉल एफ. नाउ वी टेकिंग द अनदर डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपको समझ आ रहा है? पहले मैंने सभी की एक जनरल 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 इक्वेशंस बताई है, ठीक है, जनरल डेफिनेशन हो गई है. फिर मैंने एक यहाँ पर किसकी डेफिनेशन है, ये है प्रिंसिपल फोकस की. ये डेफिनेशन किसकी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस डेफिनेशन रिलेटेड टू फोकल लेंथ. नाउ अनदर डेफिनेशन इज हियर इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होती है. ठीक है, जहां से आती है वहीं से चले जाती है. व्हेन एनी बीम ऑफ लाइट अराइव एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, दिस पॉइंट आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो स्टूडेंट, दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, द पॉइंट आर नोन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर नोन एज पोल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, दैट मीन्स अ इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस लाइन. रेडियस ऑफ कर्वेचर, अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. प्रिंसिपल फोकस, दैट मीन्स अ सेंटर और मीड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल, द मीड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर नोन एज प्रिंसिपल फोकस. फोकल लेंथ, अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल आर नोन एज फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. लीनियर एपरेचर, दैट मीन्स अनदर वे टू डिफाइन अ डायमीटर. एंगुलर एपरेचर, दैट मीन्स अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. स्टूडेंट प्लस प्लस प्लस, दैट मीन्स वी टेकिंग द अनदर डेफिनेशन. अनदर डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ टू टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ. प्रिंसिपल फोकस, दैट मीन्स वेन एनी इंसिडेंट रे अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, दिस पॉइंट आर नोन एज प्रिंसिपल फोकस. फोकल लेंथ, दैट मीन्स अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नोन एज focal length, and center of curvature, that means a point here, the incident and reflected defined the same are known as the center of curvature. I hope student you getting the proper definition regarding to the C, P, R, F, F and linear and angular aperture. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santivani Higher Secondary School Rajuda. Student, please like and subscribe, and also study science and other subject from our YouTube channel. Thank you so much.